बैक टू माय चैनल किसना की एसेंस। आप सभी को अंजू का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों अभी बज रही है घड़ी में 11 और मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं। तो सुबह मैं डेली 5:30-6 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद जो घर का साफ सफाई काम होता है वो सब करके नहा धोकर 8 बजे तक पूजा वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद ही चाय बिना जो भी है करती हूँ। कभी आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपना घर का साफ काम संभालती हूँ। तो खाना भी मैंने बना लिया है, तो आज आपको दिखाऊंगी खाने में मैंने क्या क्या बनाया है। थोड़ा कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप देख ही रहे होंगे। बात करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हाथ पैर में बहुत दर्द है क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ चुका है और साथ में नाक का प्रॉब्लम है तो उसका भी शुरू हो चुका है। मतलब साथ में जब होता है तो एक ही साथ में सब कुछ होने लगता है, तो दवाई ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ क्योंकि दवाई लेने के लिए मैं दवाई को इस तरह से पानी के साथ नहीं ले सकती। तो उसके लिए मुझे दवाई को तोड़कर या चबा कर लेना पड़ता है, जो बहुत बुरा लगता है, मन नहीं करता है। लेकिन तबीयत अगर ख़राब होगी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो 2-3 दिन से सो भी नहीं पा रही थी, रात के 2-2:30 बजे तक जगी रहती थी या फिर 4-4:30 बजे उठ जाती थी, तो इसलिए तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो कल रात को थोड़ा सा नींद हुआ है, अभी ठीक हूँ। सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना लेते हैं। तो अभी तो खाना वगैरह बन चुका है, तो अभी बैठ भी नहीं सकती, बहुत सारा काम है क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत करीब आ गई है, तो साफ़ सफाई करना पड़ रहा है। डेली का बहुत जो भी होता है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, कर लिया है ऑलमोस्ट बहुत सारा। तो थोड़ा सा किचन का बाकी है, तो इसको बाद में करूँगी क्योंकि अभी कर लूँगी तो वैसे ओपन है तो सब गंदा हो जाता है फिर से। तो अभी तबीयत भी उतना ठीक नहीं है, तो थोड़ा 1-2 दिन के बाद ही इसको करूँगी, तो अभी इसलिए छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाऊँगी कि ढोकला किस तरह से बनाई जाती है, जो गुजराती एक रेसिपी है और बहुत ही खाने में अच्छी लगती है, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये बहुत ईजी बन जाती है घर में झटपट, आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। ईजीली बन जाएगी और खाने में टेस्टी भी है और आपको आपके बच्चों को दोनों को पसंद आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को अच्छा लगेगा और आपको नहीं। तो सोचा कि चलो आज आपको दिखाते हैं किस तरह से ढोकला बनाया जाता है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप करके मत जाइए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो फ्रेंड्स मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, क्योंकि आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। तो चलिए बहुत देर ना करते हो, आपको पहले दिखाती हूँ कि खाने में मैंने क्या क्या बनाया है और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि ढोकला किस तरह से बनाई जाती है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ आज, बहुत जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं खाने में क्या बना, उसके बाद आप देखिए ढोकला किस तरह से बनाई जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बनाई है आलू और भिंडी की भुजिया भाजी, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो और बनाई है ये करेली, और जिसको करोला बोलते हैं, और वो आलू प्याज और क्या बोलते हैं उसको पम्पकिन जो है उसको डालकर मैंने एक सब्जी बनाई है। तो और बनाई है दाल, ये देखिए ये दाल मैंने बनाई है। तो यही सब है, तो ये खाना मैंने बना, और कुछ नहीं है आज। तो अचार के साथ में वो ले लेगी और चावल मेरा अभी बना हुआ है यहीं पर। तो सब कुछ काम ख़त्म हो चुका है, साफ़ सफ़ाई भी मेरी हो चुकी है और खाना बनाने के बाद साफ़ सफ़ाई रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने सब कुछ कर लिया है। तो सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देते हैं, अब मैं चलूँगी अपना साफ़ सफ़ाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स ढोकला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन, मैंने एक छोटे कटोरी से 1 कटोरी ले लिया है, आपको जितना ज़रूरत है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चीनी छोटे चम्मच से, और डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, और डाला है मैंने 1/2 चम्मच छोटे चम्मच से अदरक का पेस्ट और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। तो थोड़ा सा मैं हरा मिर्च इसमें डालूंगी और बाकी मैं बाद में यूज़ करूंगी। और डाला है मैंने हल्दी का पाउडर थोड़ा सा, तो अब इसको थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और इसको एक बैटर बना लेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे पानी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसे इस तरह से फेंटते जाना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहनी चाहिए।
और जितना हम इसको फेंटेंगे तो ढोकला हमारी उतनी अच्छी बनेगी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमें फेंट लेना है। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से बैटर को बना लिया है। अब हम इसको ढक कर 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुका है, तो देखिए बैटर अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने इस टाइप का एक बॉल लिया है स्टील का, इसी के अंदर मैं ढोकला बनाऊंगी। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप केक टिन भी ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और इसको अच्छे से ऑयल को चारों तरफ मैंने लगा दिया है। अब मैंने एक इनो का पैकेट लिया है, तो इनो को हमें इसी फ्लेवर का लेना है, नींबू वाला। तो अब इसको मैं काट कर इसमें डाल दूँगी। तो एक पैकेट इनो हमें डाल देना है। तो आप दूसरे फ्लेवर का इनो ना लें, जरा थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब हम जल्दी से इसको इसी में डाल देंगे, क्योंकि इनो डालने के बाद ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, और इसको हल्के हाथों से डैप कर लेंगे। तो एक डेचकी में मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और एक स्टैंड रख दिया गर्म होने के लिए। तो अब मैं इसको एक एल्युमिनियम के फॉइल से कवर कर दूँगी ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। अब मैं इसको बेक करने के लिए इसके अंदर रख दूँगी। तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। अब इसको ढक कर हम 30 मिनट के लिए रख देंगे, लो फ्लेम पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, करीब 30 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसको खोलूँगी और खोल के देखते हैं इसको। तो पहले तो मैं गैस को ऑफ कर दूँगी, जो पानी था वो भी सूख चुका है। तो अब हम इसको निकालते हैं पहले। तो ये देखिए, ढोकला बन के रेडी है। थोड़ा सा एक फोक डाल के देख लेते हैं फिर भी। तो ये देखिए, ये बन गई है पूरा। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा गर्म है तो ध्यान से हमें निकालना है। तो अब मैं इसको एक छुरी की मदद से इस तरह से काट कर पीसेस बना लूँगी। तो आप चाहो तो इसको किसी प्लेट के अंदर निकाल कर भी काट सकते हो। तो मैं इसी के अंदर कर रही हूँ, सभी चीज़ें इसके अंदर रेडी करने के बाद ही मैं प्लेट में आज निकालने वाली हूँ। तो ये देखिए, पीसेस मैंने कर लिए और साइड में इस तरह से मैंने इस तरह से इसको छुड़ा दिया है छुरी की हेल्प से, जिससे कि ये आसानी से निकल जाए। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही मैं इसको निकालूँगी। तो देखिए, चारों तरफ से मैंने काट लिया है। अब एक कढ़ाई गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। तो कढ़ाई मेरी गरम हो चुकी है, तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। अब डालूँगी इसमें सरसों, और डालना है इसमें करी पत्ता, हरा मिर्च और दो तीन सूखी लाल मिर्च, और जो बारीक कटा हुआ हरा मिर्च था उसको भी मैंने डाल दिया। अब एक चम्मच चीनी हम इसमें डालेंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमें पानी डालना है। अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच के करीब नींबू का रस। तो ये देखिए, मैंने नींबू का रस डाल दिया थोड़ा सा इसमें। अब इसको हम ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, बस निकाल लेंगे। तड़का हमारी लग चुकी है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं गैस को ऑफ करके। तो अब हम इस तरह से इसको ढोकले के ऊपर डाल देंगे, जिससे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और दिखने में भी अच्छी लग रही है। तो देखिए, सबको डालने के बाद मैंने थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ डाल दिया है इसमें। तो अब हम इसको इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक चम्मच की हेल्प से मैं इस तरह से इसको निकाल रही हूँ, और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया है। आप चाहो तो इसको पहले प्लेट में निकाल कर भी तड़का लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बन के रेडी है हमारी ढोकला, जो दिखने में तो अच्छी लग ही रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है।
आप इसको ट्राई ज़रूर करना, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखिए कितनी स्पॉन्जी भी बनी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।